अगर हम इसको देखेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, तो इनका फेट पहले से डिसाइड उस वक्त होता है जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट करते हैं सेक्शन 66 इलेक्शन एक्ट के तहत। वहां से मालूम होता है कि कौन से कैंडिडेट किस पार्टी से, yes. कौन से कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है। तो हमने ये तो उस बात देखिए, वेदर द कैंडिडेट्स हु वर इलेक्टेड। फिर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए थे वो 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक थे, yes. 2023, yes. क्या इस दौरान ये जो कैंडिडेट थे जो वहां चले गए सुनिए इत्याद में, इनको किसी पार्टी से एफिलिएशन सर्टिफिकेट मिला था? सर, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, आई विल कम टू दैट। सब बताएंगे जी जी। नहीं नहीं, मैं बता सकता हूँ सर। हुआ ये था, नो नो, मिले थे सबको, हुआ आप कैंडिडेट थे ना, सबको मिले थे, हुआ इन नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ अलोंग विद सर्टिफिकेट। वी हैड आल्सो सबमिटेड, इसको माइंड में रख के आगे जी, वी हैड आल्सो सबमिटेड, पीटीआई हैड आल्सो सबमिटेड देयर लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स, बट सिंस वी वर डिनाइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104। फैसल साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 104 में नॉमिनेशन है उसकी। फैसल साहब, जो माय लॉर्ड मंतुखेल साहब ने पूछा है जी, जब आपने ये 82 लोगों ने जब अपने रिटर्न्स फाइल किए थे, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन शो की थी जी, शो की थी, दैट्स द पर्टिनेंट क्वेश्चन। फिर आप चले, अगर आप इसको इसी से यहीं से ले लें जी, तो फिर हमें आप सिर्फ ये समझा दें कि ये किस तरह से इंडिपेंडेंट कहलाएंगे जी। मैं उस पे भी आता हूँ, ये इंडिपेंडेंट थे या किसी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी थे? दीज वर इंडिपेंडेंट, द रीजन बीइंग टू शो अस फ्रॉम द लॉ व्हेदर दे वर इंडिपेंडेंट और दे वर एफिलिएटेड with any party. There was litigation on this and the election commission declared that you cannot stand as a PTI candidate, you are independent. Is pe litigation. Then question arises whether keeping in view section 66 ko baad mein padh lenge ji ki kya election commission ke paas ye ikhtiyar hai ki ji party kisi ko nominate karti hai, affiliation certificate de deti hai aur wo candidate ki bhi khwahish hai ki main falan party se aaun ji, kya ye ikhtiyar इलेक्शन कमीशन को है कि वो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये इख्तियार उस कैंडिडेट को है कि एक दफा वो कागजात जमा कर दे एक पार्टी की तरफ से, वो उस पार्टी से वापस निकल सकता है, नंबर टू। नंबर थ्री, क्या उस पार्टी ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो इसको एक्सपेल कर सकता है जब वो सीट जीत जाता है? दिस विल गो द योर लॉर्डशिप इज रेज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड द इशू इज दिस इज आई थिंक दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द सेंट्रल क्वेश्चन। यू प्लीज नोट दैट, कैन यू जस्ट गेट द फैक्चुअल एस्पेक्ट आउट जी। नाउ आई जस्ट वांटेड टू नो ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज हु आर द बेनिफिशियरीज, एनी ऑफ देम सपोर्टिंग यू before us? No, I just want to ask them. No, I don't think so, sir. No, let's ask them. The beneficiary, sir. No, ek second. Ye dekhiye, aapne list kiya hai na, MQM, is it represented? Sir, jinhe maane ghanimat mila hai, wo support nahi kar rahe. I just want to know who stands where. MQM is represented or not? Is Pakistan People's Party represented? Ji, Farooq Naik sahab hai. Ajay zara. Ji. Pehle to ye bataye aapka naam Pakistan People's Party hai ya Pakistan People's Party Parliamentarians hai? Pakistan People's Party Parliamentarians. Are you supporting them or opposing them? Opposing them. Theek hai. Ajay, next comes Pakistan Muslim League N, is it represented? Ji. We're also opposing them, my lord. You're also opposing them. और कौन सी पोलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं? सर, PMLQ जो है, जिसे PML कहते हैं, उलमाए इस्लाम पाकिस्तान जी, इज इट रिप्रेजेंटेड जी? वहीं से बता दें, वहीं से बता दें, सपोर्टिंग और अपोजिंग? सर, अपोजिंग, मगर इसमें एक और इशू है। आप इशू छोड़ देना, सिर्फ बता दें सपोर्टिंग अपोजिंग? अपोजिंग टू द पोजीशन, मतलब यू वांट टू रिटेन द सीट, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? JUIF कहीं मैं पढ़ता हूँ? एफ नहीं है, JUI पाकिस्तान। ओके, थैंक यू। अगर एफ निकल जाए फिर आपकी क्या हैसियत होगी? चले, ये बेनिफिशियरी, एक सेकंड, तो पार्टी का कोई भी लीडर किसी से भी निकल जाए तो किसी की कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, वो ANP की तरफ से कोई है? नहीं, ANP की तरफ से। अच्छा, ANP इज नॉट रिप्रेजेंटेड बिफोर अस, एंड व्हाट अबाउट द PTI पार्लियामेंटेरियंस, उनकी क्या पोजीशन है? आर दे सपोर्टिंग यू और अपोजिंग यू? आर यू अपोजिंग, सपोर्टिंग, opposing? So you want to retain the benefit? Sare cover ho gaye, ANP is not represented. MQM, ha, istiqam wale ki taraf se koi hai? Istiqam hai Pakistan Party, ha?
कोई नहीं, थ्री आर नॉट रिप्रेजेंटेड. थैंक यू. ठीक, नो पुष्टि है कोई. ठीक है, गॉट इट. हु आर द अदर रिस्पोंडेंट्स यू वर एड? सर, दीज आर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हु वर इन द नोटिफिकेशन. प्लीज एक्सपैंड. सर, जो नेशनल असेंबली हुआ ये था कि they were notified, sir. But then there should have been 77 or 22. Sir, this was in relation to KPK, and because they were represented by the People's Party, by their party. No, but are all of them before us? That's no, not all of them are before you. Why not? They were not parties below, sir. No, but now if this your appeal is allowed, won't they be adversely affected? Sir, I think they should be issued notice. Ya aapne pehle request kyun nahi ki thi na aapne unko party banaya? Sir, main party isliye nahi bana sakta tha because they were not parties below, but they are represented by their political parties. They would not be represented below because you are the petitioner. No, but they were represented by their political parties. Ye jo candidates hain, inko to jo aap fir kisi ko bhi na banaya aap. Ji, bilkul. Ye bhi ho sakta. Aapka asooli mauqif hona chahiye. Nahi, sir, dekhiye, as they are not a necessary party because they are represented by their political parties. Nahi, jab wo notify ho jate hain to fir zahir hai they have sufficient party जरूर है. सफिशियंट पार्टी जी, कल वो फाइल कर फैसला कर. ये मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा. वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो पार्टी रिप्रेजेंट करती है. जी, कैंडिडेट तो इनको तुमने लिस्ट देनी होती है, अगर उसको हटाना हो तो हटा के. आई वुड एग्री विद द लर्नर्ड. आई जस्ट क्वेश्चन यू. सर, मेरे ख्याल में सम एंड यू हैव नॉट रेड अदर. मेरे ख्याल में एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन उनको नोटिस जरूर जाना चाहिए. But we won't know the names, etc. No, we have the names. You have to provide the particulars and all that. No, it's in the CMA. Everything is provided. They can be served. You'll have to move an application with all the particulars so we can issue. I can do that. Let's proceed. Yes, some maujood hain. They can also be served through the election commission. Yes. Because the election commission notified pass on the details. Sir, ek yahan bata dijiye ki ye Sunni Ittehad Council ne as a party participated in the election? Nahi. Chupan ho rahe hain. They did not. 55. You are a political party? Yes. Can you show us your registration? Sir, ये ECP ने recognize किया हुआ है, order में भी रखी है, इस पे कोई dispute नहीं. इसमें एक सवाल मज़ेदार करते हैं. You have not participated as a party? No, we did not. My Lord Khan साहब के सवाल में एक और भी आती है. क्या पार्टी कंटेस्ट करती है या पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है? नंबर वन. पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है 66 के तहत. और अगर वो कैंडिडेट खड़ी करती तो इसका मतलब है कि वो पार्टी कंटेस्ट करी. तो क्या पीटीआई ने कंटेस्ट किया था, कैंडिडेट खड़े किए थे? सर, दिस इज ए क्वेश्चन. सर साहब, मैं आपको आपकी मदद करता हूँ. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें, फिर हम आपसे बाद में सवाल पूछ लें तो बेहतर होगा. मगर अगर वो आप अपने तरीके से आर्ग्यू करें ना, क्योंकि इतने वकील भी वी बीन इन योर पोजिशन एंड समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सर, अब योर लॉर्डशिप, ये सिर्फ फैक्ट्स आ गए हैं. जी, कोई और फैक्ट आप बताना चाहते हैं? कुछ तारीखें दे दीजिए, 21 दिन को क्या होता है. हाँ, ये मैं देना चाहूंगा. एंड देन मे बी आई कैन मेक एन एप्लीकेशन, दे कैन बी सर्व्ड थ्रू. वो अभी तो फैक्ट्स दे रहे हैं. जी, हाँ. सर, इसके लिए अगर मैं आपसे काइंडली, सिर्फ ये जो मैंने एक नोटिफिकेशंस कंपाइल की हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच हिज लॉर्डशिप जस्टिस मंसूर हैड ऑल्सो रेज, कि वो डेट्स क्या है. तो अगर मैं काइंडली पेज वन पे आ जाऊं. सीएमए नंबर कौन सा? ये सीएमए नहीं है सर, ये मैंने सारे नोटिफिकेशंस. जी, आप एक्स्ट्रा कॉपीज दी इनको? नहीं, ये सर एसीपी के सिर्फ नोटिफिकेशंस हैं. दिस इज द लॉ, दिस इज ऑल, दिस इज नथिंग. दो चार कॉपीज करवा लेना, वो भी मैं देखेंगे. मैं दे दूंगा सर. इफ यू आर रेफरिंग टू, दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. सो इट इज, देन वी